चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में हम टैली के न्यू रिलीज के बारे में बात करेंगे। 6.6.3 रिलीज आज अपडेट हुआ है 13 जुलाई को, और इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। जिन चेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने टैली का रिलीज अपडेट कैसे करना है अपने सिस्टम पे। तो सबसे पहले बताऊंगी, अगर आपके पास टैली का लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर है तो आपके पास यहाँ पे अपडेट हो गया होगा, अभी तक नोटिफिकेशन आ गया होगा कि टैली का न्यू रिलीज 6.6.3 अवेलेबल हो चुका है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपने सिस्टम पे 6.6.3 रिलीज को अपडेट कर लेना है, ओके। एंड अगर आप लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन मोड में काम करते हैं और आप अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टैली सॉल्यूशंस वेबसाइट पे जाना होगा। और जब आप यहाँ पे टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा रिलीज 6.6.3, और आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन आप 6.6.3 रिलीज में जो भी अपडेट आई हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखना चाहते हैं क्या क्या इसमें हाइलाइट्स हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो आपने यहाँ पे रिलीज 6.6.3 पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपको हाइलाइट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या हाइलाइट्स हैं। टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर नाउ कम्स विद अ न्यू कनेक्ट कंपनी सेटअप फॉर ब्राउजर विद सीमलेस कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्शनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स टू इम्प्रूव द ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट हाईलाइट जो यहाँ पर दी हुई है उसको हम टैली में देखते हैं यहाँ पे क्या इसमें चेंज आया है। तो जैसा कि देखिए, यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास कनेक्ट का ऑप्शन आता है। हम ब्राउज़र को में एक्सेस देने के लिए कंपनी कनेक्ट करते हैं, तो जब हम यहाँ पे कनेक्ट कंपनी करते हैं तो हमें कंट्रोल सेंटर पे जाके अपना डिटेल्स वहाँ पे ईमेल आईडी देनी होती थी जहाँ पे हम एक्सेस देते थे। लेकिन यहाँ पर आपका कंपनी सेटअप में जो कनेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पे चेंज हो गया है। आप जब कनेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहीं पर आप ईमेल आईडी दे पा रहे हैं कि ईमेल आईडी टू गिव ब्राउज़र एक्सेस। जिस ईमेल आईडी को आपने ब्राउज़र एक्सेस देना है वो ईमेल आईडी आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको उसमें सिक्योरिटी देनी है तो वो सिक्योरिटी आप यहाँ से यूज़ सिक्योरिटी के फीचर को यूज़ करके दे सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके। तो फर्स्ट अपडेट जो टैली रिलीज 6.6.3 में आया है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव द न्यू यूनियन टेरिटरी नाउ सपोर्टेड। तो जब हम टैली में लेजर्स क्रिएट करते थे तो पहले हमारे पास ये जो यूनियन टेरिटरी स्टेट है ये नहीं आता था, लेकिन अभी जब आप पार्टी का कोई भी लेजर क्रिएट करेंगे, और मैं यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई पार्टी क्रिएट करती हूँ और स्टेट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा ये वाला जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स है ये यहाँ पर अब सपोर्ट करेगा, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, एंड आप इसके लिए भी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकती हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो अपडेट है वो है जीएसटी से रिलेटेड। प्रोविजन इज मेड टू मार्क इनवॉइसेस एज सप्लाइज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी ड्यूरिंग वाउचर एंट्री टू एंश्योर दीज डिटेल्स आर एक्सपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 रिटर्न्स। तो आपने जीएसटीआर 1 रिटर्न में कौन कौन सी इनवॉइसेस को एक्सपोर्ट करना है उसके लिए जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे, तो आप उसमें मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी एज सप्लाइज कवर होनी चाहिए। तो जब हम जीएसटी में करेंगे तो आप ये करके देख सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है एक्सपोर्ट जीएसटीआर 1 रिटर्न्स विद लेटेस्ट चेंजेस। जब आप जीएसटीआर 1 रिटर्न को एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ चेंजेस उसमें आएंगे, एंड दीज चेंजेस विल बी मेड लाइव ऑन जीएसटी पोर्टल शॉर्टली। और जीएसटी के पोर्टल पे भी वो चेंजेस बहुत ही जल्दी आपको अपडेट हुए मिल जाएंगे। और टैली ने इसको अभी अपडेट कर दिया है, तो आप आगे भी जीएसटी के पोर्टल में इसको अपडेट होता हुआ देखेंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो टैली के रिलीज में 6.6.3 में अपडेट हुई है, और इनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो टैली रिपोर्ट्स में हम ब्राउज़र एक्सेस करते थे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन अब यहाँ पे इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो अपने सिस्टम पे आप कनेक्ट कंपनी करके ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं फीचर्स का। तो तब तक के लिए आप अपना न्यू रिलीज अपडेट कीजिए, और अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।